पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर किए गए जुबानी हमले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। इसकी आवाज हिमाचल तक भी पहुंच चुकी है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व में रहे अध्यक्ष और AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जगह न मिलने की निराशा में अनुराग ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में उन्हें डर्टी टैक्टिक्स विभाग की जिम्मेवारी मिली है, जिसके तहत वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुले रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में देश की आवाज बन गए हैं। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को सदन की कार्यवाही से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लिए अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है वह बिल्कुल गलत है। संसद में भारतीय जनता पार्टी की जो NDA सरकार है परेशानी में, जिस ढंग से इस बार एक मजबूत विपक्ष पार्लियामेंट में नजर आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन है एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी देश में विपक्ष की आवाज बनके उभरे। श्री राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से देश का, चाहे दलित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, आम लोग हो, उनका पक्ष रख रहे हैं। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, उनको राहुल गांधी जी से बहुत ज्यादा समस्या है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी पहली तकरीर, अपना भाषण संसद में दिया, उनके भाषण के अंश काट दिए गए। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली थी कि उनके भाषण के जो अंश है वो सदन की कार्यवाही से हटाए जाए। और अभी पिछले दिन जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हिमाचल के सांसद है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने श्री राहुल गांधी पे अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां की, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। भाषा का उपयोग प्रयोग देश के प्रतिपक्ष के नेता के लिए कर रहे हो, जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में जिन टिप्पणियों से परहेज होना चाहिए। हम समझते हैं कि आपकी क्या मंशा है, हम आपकी मनोस्थिति को भी समझते हैं, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से उन पे कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सहानुभूति है अनुराग ठाकुर जी से। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मंत्री परिषद में उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिले, वो तो मिला नहीं। अब वो हताशा और निराशा उनके भाषणों में नजर आ रहा है।